नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। शासन के द्वारा लगाए गए पॉलिथीन पर प्रतिबंध का असर अब परिवहन निगम के बस स्टैंडों पर भी दिखने लगा है। परिवहन निगम के अधिकारियों ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज मोहनलाल ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिलते ही सिंगल यूज पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। बस स्टैंडों पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है और स्टेशनों पर संचालित होने वाली यात्री कैंटीन पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी यात्री को पॉलिथीन में कोई चीज न दी जाए। RM ने बताया कि क्षेत्र के सभी ARM को भी आदेश जारी कर दिया गया है। इनको लेके पूरे क्षेत्र में हमने बैन लगा दिया अपने बस स्टेशन पे, जो वर्कशॉप है और स्टेशन वगैरह है, सभी ARM को डायरेक्शन दे दिया है कि जो हमारे पास कैंटीन है, दुकानें हैं, उस पर कोई भी जो सामान है वो पॉलिथीन में नहीं दिया जाएगा। और दूसरा भी हमने बैन किया है, थर्मोकोल को बैन किया है। ये अक्सर लोग चाय वाय जैसे कैंटीन में बनाते थे, थर्मोकोल का ग्लास यूज़ करते थे, तो वो बिल्कुल मैंने टोटली बैन कर दिया है और उसके आदेश ही पारित कर दिए हैं। ये हमारे माननीय MD साहब द्वारा डायरेक्शन दिए गए थे कि कोई किसी स्टेशन पे हमारे किसी वर्कशॉप में पॉलीथीन और थर्मोकोल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कैंसरस होता है, तो हमने टोटली इसको बैन कर दिया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।